हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कोपार्शनरी और ज्वाइंट हायरशिप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है सेल्फ अर्न्ड और दूसरा एंसेस्टल प्रॉपर्टी। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और एंसेस्टल प्रॉपर्टी क्या होती है। अंडर हिंदू लॉ, वेयर द पर्सन पोसेसेस एन इंटरेस्ट इन एंसेस्टल और कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, ही इज नॉट नो द सोल ओनर ऑफ इट। कह रहा है कि अगर कोई भी हिंदू लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति जो कि एंसेस्टल या कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होता है, राइट होता है, तो वो उसका सोल ओनर नहीं होता है। एंड हिज सन, ग्रेट ग्रैंड सन एंड एक्वायर्स द राइट बाय बर्थ ऑफ हिज कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। कह रहा है कि सन हो या फिर ग्रेट ग्रैंड सन हो या ग्रेट ग्रैंड सन हो, तो उसको जो होता है वो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का राइट जो होता है वो बाय बर्थ मिलता है। ओनली मिताक्षा स्कूल, नॉट इन दयाभागा स्कूल, ये जो राइट मिलता है कोपार्शनर को, ये सिर्फ मिताक्षा स्कूल में मिलता है, ये दयाभागा में नहीं मिलता है। वुमेन हैव इंट्रोड्यूस एज ए कोपार्शनर अंडर हिंदू सक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2005, द डॉटर हैज बीन गिवन हिज राइट अंडर सेक्शन 6(1). कह रहा है कि वुमेन को कोपार्शनर के तौर पर पहले नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। ये कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 6(1) में दिया गया है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म कोपार्शनरी, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर इन इंटरनल रिलेशनशिप टू स्टार्ट द कोपार्शनरी। कह रहा है कि कोई भी सिंगल पर्सन जो होगा वो कोपार्शनरी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 मेल मेंबर का होना जरूरी है, जो कि क्या वो रिलेशनशिप में होना चाहिए, इंटरनल रिलेशनशिप होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ए पर्सन रिमूव्ड बाई मोर देन 4 डिग्रीज फ्रॉम सीनियर मोस्ट मेंबर नॉट अ कोपार्शनर 4 जनरेशन इंक्लूडिंग द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ जनरेशन। कह रहा है कि किसी भी डिग्री में कोपार्शनर जो होते हैं उसमें 4 जनरेशन को ही इंक्लूड किया जाता है, उससे ज्यादा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दोज हु आर द मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली आफ्टर द 4th जनरेशन आर द मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली टिल 7th जनरेशन। ज्वाइंट फैमिली का जो होता है वो 7th जनरेशन तक इंक्लूड किया जाता है। इलिजिटिमेट सन, एन इलिजिटिमेट सन ऑफ लिनियल मेन डिसेंडेंट इज मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली बट नॉट अ कोपार्शनर। कह रहा है कि कोई भी इलिजिटिमेट सन होगा, मतलब उस फैमिली का, तो वो ज्वाइंट फैमिली का मेंबर क्या होगा, होगा, लेकिन वो कोपार्शनर नहीं होगा। मतलब कि उसके जो किसी भी जिसका भी वो सन होगा तो उसके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो उसके मिलेगा, लेकिन जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा उसमें इलिजिटिमेट सन को राइट नहीं मिलेगा। इफ अ पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन द फादर एंड ही द सन, इलिजिटिमेट सन कैन बी अलॉटेड शेयर। कह रहा है कि पार्टीशन के टाइम पर जो होगा किसी भी फादर और सन के बीच में जो होगा, तो वो उसमें जितना इलिजिटिमेट सन का राइट होगा उतना ही लिजिटिमेट सन का राइट होगा। गुरु नानक दास वर्सेस गुरु ताहल दास राय केस है, जिसमें 1952 में दिया गया था। द फादर कैन गिव एन इक्वल शेयर टू द इलिजिटिमेट सन, विल गेट हाफ ऑफ द इलिजिटिमेट सन, विल गेट हाफ शेयर ऑफ लिजिटिमेट सन। कह रहा है कि जितना कि इलिजिटिमेट सन को राइट मिला था उतना ही क्या किया, लिजिटिमेट सन को मिला। इनसेन पर्सन, अब हम लोग देखेंगे कि इनसेन पर्सन क्या कोपार्शनर होता है। एंड इनसेन मेंबर ऑफ अ फैमिली इज नॉट अ कोपार्शनर एंड हिज राइट आर टेम्पोरली सस्पेंडेड टिल ही रिकवर्स, बट इफ द पार्टीशन टेक्स प्लेस ही हैज बीन एलोटेड शेयर। कह रहा है कि कोई भी अगर इनसेन पर्सन है तो वो एज अ कोपार्शनर नहीं होगा, उसके कोपार्शनर का जो राइट होता है उसको टेम्पोरली सस्पेंड किया जाएगा, जबकि कब तक, जब तक कि वो फिर से एक सही उसकी स्थिति नहीं हो जाती है तब तक कि उसके सारे राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन वही जब पार्टीशन होता है तो उसमें जो भी उसका शेयर होगा वो अलॉट किया जाएगा। ये केस में दिया गया है क्या, अमृतामल वर्सेज विलामिल अमल, 1942 का केस है। अब है आउस्टर फ्रॉम कोपार्शनरी, मतलब कि कोपार्शनरी का जो राइट होता है उससे उसको बेदखल करना, उसको उसको नहीं देना।
पहला है सीजेस टू बी मास्टर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। अगर उसे मास्टर ज्वाइंट फैमिली से, अगर मास्टर जो है कोई भी ज्वाइंट फैमिली का, वो अगर उस फैमिली से उसे सीज कर देता है, उस फैमिली से उसे निकाल देता है, तो वो कोपासना नहीं होगा। दूसरा है रिनाउंसमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। अगर कोई धर्म का त्याग कर देता है या बदल देता है तो भी वो नहीं होगा। गेट्स मैरिड टू ए नॉन हिंदू अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो भी वो क्या होगा, आउटर फ्रॉम कोपासनरी होगा। बट द बोथ सीजेस टू बी राइट टू बी कोपासनरी प्रॉपर्टी विल नॉट बी ए फॉरफिटेड एंड ही इज इंटाइटल्ड टू टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा है कि कोपासनरी का जो प्रॉपर्टी होगा वो सीज कर दिया जाएगा, विल नॉट बी फॉरफिटेड इंटाइटल टू टेक, उसके राइट्स को तो कर सकता है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी में जो शेयर होती है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, वो उसे मिलेगा। राइट्स ऑफ कोपासनर, पहला है राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जो भी कोपासनर होगा उसे उस प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट होगा। राइट ज्वाइंट हायरशिप एंड कॉमन एंजॉयमेंट, उसे ऑनरशिप होगा उस प्रॉपर्टी का, उसे एंजॉय करने का राइट होगा। राइट टू सर्वाइवरशिप, उसे उस जो भी कोपासनरी प्रॉपर्टी होगी उसे उसे सर्वाइव करने का राइट होगा। राइट टू अकाउंट, उसे अकाउंट का भी राइट होगा। अब अकाउंट का राइट होगा, अकाउंट में क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। ही इज इन कंडक्टिंग द फैमिली बिजनेस एंड द नेचर ऑफ बिजनेस इज सच एज नेसेसिटी मेंशन ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। कह रहा है कि कोई भी फैमिली बिजनेस जो होगा, अगर उसका जो नेचर होता है तो उसमें सारे बिजनेस के जो भी जरूरत होगी वो मेंटेनेंस का होगा, वो सब प्रॉपर अकाउंट में किया जाएगा। देर आर चार्ज ऑफ फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम और कन्वर्जन। कह रहा है कि वहां अगर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा या मिस अप्रोप्रिएशन होगा या इनकम होगा तो सब जो होगा क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का राइट अकाउंट से कटेगा। व्हेन ए कोपासनर टेक्स फॉर मेंटेनेंस, अगर कोई कोपासनर होगा वो आस्क मेंटेनेंस के लिए पूछता है तो भी क्या होगा, उसका राइट होगा। राइट टू मेक पर्सनल एक्विजिशन, अगर कुछ उससे पर्सनल जरूरत है तो भी वो कर सकता है। राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन, उसे पार्टीशन के लिए भी कह सकता है। राइट टू रिनाउंस हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के लिए भी आवाज उठा सकता है। राइट टू रिस्ट्रेन इम्प्रॉपर एक्ट, अगर कोई इम्प्रॉपर एक्ट हो रहा है तो एज अ कोपासनर वो बोल सकता है। राइट टू रिस्ट्रेन इम्प्रॉपर एक्ट, अगर कोई इम्प्रॉपर एक्ट हो रहा है तो उसे भी रोक सकता है। और राइट टू एलिनेशन, और वो किसी भी एलिनेशन को भी राइट होता है उसके पास। करेक्ट, कर्ता कैन एक्सरसाइज हिज पावर ओनली फॉर सेम परमिटेड पर्पस। ही कैन सेल द प्रॉपर्टी लीगल नेसेसिटी बेनिफिट ऑफ ए स्टेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिपेंसेबल रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटी। कह रहा है कि कर्ता को जो होता है उसे कुछ राइट होते हैं कि अगर कोई भी जरूरत होगा तो, अगर कोई आवश्यकता होगी तो किसी भी रिलीजियस या फिर कोई चैरिटेबल, उसका जो ड्यूटी है फैमिली के प्रति, उसके लिए वो किसी भी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। वेयर द कर्ता इज द फादर, ही कैन ऑल्सो सेल द प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट ऑफ हिज एंसिडेंट। अगर कोई फादर है जो जो कि जिससे पर बहुत सारे डेब्ट है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है अपने डेब्ट को चुकाने के लिए, कर्जे को चुकाने के लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि कर्ता कौन कौन होता है, कौन कर्ता होता है, तो हु मे एक्ट एज कर्ता। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कर्ता की तरह एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला तो है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही कर्ता होता है। जनरली फादर बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स कर्ता। सामान्यतः जो देखा जाता है वो फादर जो होते हैं वही कर्ता के रूप में काम करते हैं। इफ द फादर इज नॉट एलाइव, एल्डर ब्रदर बिफोर 2005 अमेंडमेंट एक्ट कुड नॉट बी कर्ता। कह रहा है कि 2005 से पहले अगर पिता जीवित नहीं रहते थे तो इल्डर भाई जो है वो कर्ता के रूप में नहीं कर सकता था, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद वो कर सकता है। विडो ऑफ द पर्सन हाउ एवर कैन नॉट बी कर्ता बिकम द कोपासनर। कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन की विधवा जो है वो कोपासनर के तौर पर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है उनकी वाइफ जो है वो कोपासनर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सीनियर मोस्ट कर्ता नहीं होगी। पोजीशन ऑफ कर्ता, आप कर्ता तो जान लिए कि कौन कौन हो सकता है, अब कर्ता की जगह क्या होती है, कर्ता की पोजीशन क्या होती है। इज सुई जेनेरिक ऑफ इट्स ओन काइंड,
इट इज डिटरमाइंड बाई बर्थ, नॉट अप्रोप्रिएटेड बाई एनी वन। कॉन्सेंट ऑफ अदर को पार्टनर नॉट रिक्वायर्ड। रिलेशनशिप विथ अदर को पार्टनर इज नॉट लाइक दैट प्रिंसिपल और एजेंट। उसका जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का नहीं होता है। उसे किसी भी को पार्टनर की कॉन्सेंट की जरूरत नहीं होती है। वो किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता कर्ता के तौर पे। को कर्ता जो होता है वो किसी के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, वो कर्ता होता है, वो बाय बर्थ जो बड़ा होगा वो होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कर्ता की क्या क्या ड्यूटीज होती है और क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। मेंटेनेंस ऑफ अदर को पार्टनर, कर्ता जो होता है वो दूसरे जो जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या करती है, उसे वो मेंटेन करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज ऑफ अनमैरिड मेंबर्स, पार्टिकुलरली फीमेल्स मेंबर्स। वो कह रहा है कि जितने भी अनमैरिड मेंबर है उस सारे की क्या शादी की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पे, या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो। प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ पार्टीशन, कह रहा है कि अगर पार्टीशन के समय क्या होगा, जितने भी अकाउंट्स होंगे उस सबको वो प्रिपेयर करके रखेगा, क्योंकि जितने भी अकाउंट होंगे वो सबका पार्टीशन होगा तो उसे वो सारा करके रखना होगा। बाउंड टू पे ऑल टैक्सेज एंड डेब्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली, और जितने भी ज्वाइंट फैमिली के टैक्स हो गए डेब्ट हो गए वो सबको पे करने के लिए वो लाइबल होगा, उसे पे करना होगा। ही कैन बी सूड इन द केस ऑफ फेल्योर और डिस्चार्ज अबव ड्यूटी, कह रहा है कि अगर वो ये सारे ड्यूटीज नहीं करता है तो उसे सू भी किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कर्ता का पावर क्या क्या होता है। पावर्स ऑफ एलिगेशन इन केस ऑफ लीगल नेसेसिटी बेनिफिट इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। वो क्या करेगा, अपने सारे ड्यूटी भी जो होगा रियल एस्टेट से सारे वो लीगल जितने भी होगा वो सब क्या करेगा, वो निभाएगा। पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो जितने भी खर्चे होते हैं या फिर जितना भी इनकम होता है सबके ऊपर उसका पावर होगा। पावर टू कंट्रोल डेब्ट फॉर फैमिली पर्पज, और किसी भी फैमिली पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट है डेब्ट है तो सारा का पावर उस पर होगा। पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, अगर कोई केस है अगर तो वो अगर वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं तो वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझा सकते हैं। पावर टू गिव डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज करने का भी पावर होगा। पावर टू एक्नॉलेजमेंट डेब्ट, उसे एक डेब्ट के एक्नॉलेजमेंट का भी राइट होगा। पावर टू रिप्रेजेंट सूट्स, और उसे सूट को रिप्रेजेंट करने का भी राइट होगा। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें। इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाएं, वहां लिंक को पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।